खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खंडवा पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके योगदान को गिनाया। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जमकर आड़े हाथों लिया और पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। की प्रवृत्ति होती है वार करने की, आक्रमण करने की, प्रहार करने की। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है सेवा करने की, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, देश को बढ़ाने की। मैं स्वागत भी करता हूं सचिन बिरला का, और राष्ट्र सोच की पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं, उनका स्वागत है। कि वे तो ऐसे सरकार के मुखिया थे जिसमें भ्रष्टाचार का आलम चल रहा था और वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया था। 13 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही थी उसका एक ही नाम लिया जाता है कि किसान बेहाल, किसान बेहाल, युवा कंगाल, किसान बेहाल, युवा कंगाल और मूल सुविधाओं का तो आकार हो चुका था। मैं टिप्पणियों पर टिप्पणी वापस नहीं देता, यही 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 अपने आप में एक संदेश देता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या हाल है।